नमस्कार साथियों, मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो जो साथी जिन जिन साथियों ने चंडीगढ़ पुलिस एएसआई का एग्जाम दिया है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रिजल्ट घोषित हो गया है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप जल्दी से साइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिएगा क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट अब देना है आपको। जो जो स्टूडेंट्स, जो जो विद्यार्थी इस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, उनको अभी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना है, मतलब रेस वगैरह होगी, और मेजरमेंट होगा यानी कि हाइट वेट चेस्ट होगा आपका। तो ये रोल नंबर दे रखे हैं साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रोल नंबर है जिन जिन साथियों का क्वालिफाई हुआ है। सॉरी भाई, शेड्यूल फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, डेट है उसकी 6/2/2023, यानी कि 6 फरवरी को आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा। कहां होगा, वेन्यू क्या है, पुलिस लाइन सेक्टर 26 चंडीगढ़। किस टाइम पे होगा, 10 बजे होगा, और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:30 बजे है। मतलब आपको जहां आपका सेंटर आया है फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट का, वहां आपको 8:30 बजे जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी साथियों। उसके बाद है जी फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ ए कैंडिडेट वुड बी हिज हर हाइट। सबसे पहले हाइट चेक होगी, और जिन साथियों की हाइट पूरी होगी उनका आगे प्रोसेस होगा। जिन साथियों की हाइट ही पूरी नहीं होगी वो आगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली मेजरमेंट है हाइट चेक करेंगे वो आपकी, ठीक है ना। हाइट कितनी चाहिए, 5'7" मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए और 5'2" फीमेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। लेकिन जो हिल एरिया में है, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है जो साथी, वो 5 सेंटीमीटर कम, मतलब उनमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। और चेस्ट की अगर बात करें तो 1.5 इंच एक्सपेंशन के बाद, मतलब आधा, 1.5 इंच एक्सपेंड करने के बाद, फुलाव के बाद आपकी जो चेस्ट है वो 33 इंच होनी चाहिए, 33 इंच का फुलाव होना चाहिए उसमें। उसी तरह से हिल एरिया के जो साथी हैं वो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है उनके पास, ठीक है ना। रेस की अगर बात करें तो 1 मील दौड़ना है आपको 6 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल कैंडिडेट्स का स्टैंडर्ड दे रखा है 2:30, 2:30 सेकंड में आपको 500 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है। और एक्स सर्विसमैन, जिन साथियों की उम्र 35 साल के बाद की है, उनकी एफिशिएंसी टेस्ट क्या है कि उनको रेस नहीं बल्कि उनको जॉगिंग करनी है, उनको पैदल चलना है 1 माइल 10 मिनट में। सॉरी भाई, सर्दी बहुत है, तबियत डाउन हो चुकी है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 14 फुट मेल कैंडिडेट्स के लिए है साथियों, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लॉन्ग जंप यानी कि ऊंची कूद जो है, लंबी कूद जो है वो 8 फुट है। किन के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की अगर बात करें, मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 फुट है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फुट है। साथियों, कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू ए डोप टेस्ट बिफोर पीई एंड एमटी। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से पहले और मेजरमेंट टेस्ट से पहले आपका डोप टेस्ट होगा। कहीं आपने किसी प्रकार का कोई ड्रग्स तो नहीं लिया है, किसी साथी ने किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं किया है, क्योंकि कुछ साथी सुनने में आता है, कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है कि रेस लगाने से पहले वो इंजेक्शन लगा लेते हैं, कोई गोली दवाई ले लेते हैं, जिसके कारण बेहोशी की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन साथियों, यहां रेस लगाने से पहले, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से पहले आपका डोप टेस्ट होगा, चेक करेंगे कि कहीं आपने ड्रग्स तो नहीं लिया है। अगर आपने ड्रग्स नशा कर रखा होगा तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, और हो भी सकता है कि चंडीगढ़ सरकार जो है आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस भी डाल दे। तो साथियों, किसी प्रकार का आपको रिस्क नहीं लेना है, बल्कि अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि आप फिजिकल टेस्ट भी कर देंगे। ये सेंटर दे रखे हैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16D चंडीगढ़, ठीक है ना। रोल नंबर दे रखे हैं, कौन से रोल नंबर से कौन से रोल नंबर तक इस यहां सेंटर आया है, रोल नंबर फ्रॉम ये और यहां तक इन साथियों का आया है। तो ये सारे के सारे सेंटर आपको यहां स्क्रीन पर तो आप
कर नहीं पाओगे ऐसे नोट, तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे कि वीडियो जो डालेंगे अभी, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस के लिए सेंटर कहां आया है। तो आप देर ना करें, जल्दी से चेक कर लें ताकि आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट की तैयारी कर पाए, आपका मस्तिष्क एक्सेप्ट कर ले कि आपको फिजिकल मेजरमेंट और एंड्योरेंस भी देना है। ये रोल नंबर दे रखे हैं भाई, ये आप खुद साइट पर विजिट करके देख सकते हैं। ये जो आपका एग्जाम हुआ था, कब हुआ था आपको पता है? वो तो 18 दिसंबर को आप इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर किसी प्रकार का सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। आज के लिए इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। और अगर आपने पीडी कैंपस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जानकारी, पीडीएफ, पीपीटी, टॉपिक से संबंधित जानकारी हम वहीं देते हैं, ठीक है ना। और जो भी हम लाइव क्लास लेते हैं साइंस की, इंग्लिश की, हरियाणा जीके की या दूसरे सब्जेक्ट्स की, रीजनिंग वगैरह की, तो वहां उस पर हम लिंक डाल देते हैं और अपडेट दे देते हैं, नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि किस टाइम पे आपकी लाइव क्लास होगी। तो साथियों, सबसे पहले आप पीडी कैंपस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।